देश भर में दिख रहा किसानों के भारत बंद का असर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर महाजाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। देश में अब भी बड़ी संख्या में आ रहे कोरोना के नए मामले, देश में पिछले 24 घंटों में आए 26,041 कोरोना के नए केसेस, कोरोना से 276 लोगों की गई जान। ओबीसी ने दिया बड़ा बयान, कहा मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी जैसी, मुसलमानों को दिया जा रहा नेतृत्व का मौका। लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप, आज 991 बूथों पर किया जाएगा टीकाकरण, बुजुर्गों की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे वेंटिलेटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अन्नदाता का भारत बंद, जी हां, आज अन्नदाताओं ने भारत बंद का आह्वान किया है और उसका असर देश भर में देखने के लिए मिल रहा है और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। किसान संगठनों का ये भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाला है, यानी कि ये भारत बंद इस समय अपने चरम पर है। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से हजारों किसान डटे हुए हैं, ऐसे में भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्र में जाम की स्थिति है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से सोमवार सुबह हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, यहां बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने के लिए मिली है और ये तस्वीरें आप जल्द स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जींद में जो ट्रेन है वो रोकी गई है और जींद में ही सब्जी मंडी में बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है। रोहतक में और जो पानीपत है हाईवे वो पूरी तरह से ब्लॉक पड़ा था, वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर लगातार मौजूद है, चेकिंग भी लगातार की जा रही है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। तो किसानों का भारत बंद का आह्वान, जिसका असर देश भर में देखने के लिए मिल रहा है, खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दिल्ली से सटा जो गाजियाबाद है वहां पर भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। लोग जो नौकरी पेशा हैं दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद आ रहे हैं, उन्हें घंटों जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में सड़कों पर कारें दिखाई दे रही है। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई जगह सड़कें पूरी तरह से बंद है, वहीं आज ऑफिस के लिए भी लोगों का निकलना दूभर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बमुश्किल लोग ऑफिस पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम बॉर्डर पर ऐसा भयावह जाम लगा, अगर आप दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा या आसपास के इलाकों में सफर करने की आगे भी सोच रहे हैं तो अब भी आप ऐसा करने से बचें, क्योंकि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो तो ऑफिस पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर वैसे आप घूमने फिरने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि आपका सारा घूमना फिरना जो है वो जाम में ही निकल जाएगा। कई जगह पर रूट डाइवर्ट हैं या फिर रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आज कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं तो यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से ट्रैफिक बंद है, लाल किले के आसपास रास्ता बंद किया हुआ है, छत्ता रेल सुभाष मार्ग भी बंद है। वहीं दिल्ली नोएडा के लिए डीएनडी का इस्तेमाल करना जरूरी है, अगर आप कर रहे हैं तो इससे बचें। गाजियाबाद के लिए विकास मार्ग डाइवर्जन किया गया है। पंडित श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन की एंट्री एग्जिट बंद है। तो ये वो ग्राफिक्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिनके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आखिर कौन कौन से रूट जो हैं वो पूरी तरह से डाइवर्ट नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली नोएडा के लिए डीएनडी का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि डीएनडी पूरी तरह से ब्लॉक है। पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन की एंट्री एग्जिट पूरी तरह से बंद है। यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से ट्रैफिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा है। लाल किले के आसपास रास्ता बंद है, छत्ता रेल सुभाष मार्ग भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ये वो रूट हैं जो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। ये तो सिर्फ हम दिल्ली के रूट और नोएडा जो आते हैं रूट उसका डाइवर्जन आपको बता रहे हैं, इसके अलावा भी तमाम रूट ऐसे हैं जो पूरी तरह से डाइवर्ट हैं। दरअसल इन रूटों के अलावा भी किसानों के प्रदर्शन का कई जगह असर देखने को मिला है। दिल्ली अमृतसर हाईवे, दिल्ली अंबाला, दिल्ली चंडीगढ़ के रास्तों पर किसानों ने सड़कों पर ही जाम लगा दिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, NH9, NH24 पर भी किसानों के प्रदर्शन के कारण जाम लगा हुआ है। तस्वीरें बेहद ही भयावह। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो किस तरह का असर देखने के लिए मिल रहा है भारत बंद का? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही किसानों का जमावड़ा लग गया था और उसको देखते हुए पुलिस बल, भारी पुलिस बल वहां लगाया गया है।
आपको बता दें कि किसानों के अंदर एक अलग से उत्साह है, उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि किसानों के बड़े नेताओं का साफ तौर पर कहना है भारत बंद हमने जरूर किया है लेकिन लोगों को परेशानी ना हो इसकी भी तैयारियां की गई हैं। हालांकि कई जगह पर ऐसे भी देखा गया है कि एम्बुलेंस सूचना पड़ रहा है, देखिए एम्बुलेंस फंसी दिखी इस जाम में, क्योंकि जिस तरीके से जाम लगाया गया है और ये भारत बंद के नाम पर ये जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है गाजीपुर बॉर्डर से जो गाजियाबाद की तरफ आता है, दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आता है, वो पूरे तरीके से बाधित कर दिया गया है। हालांकि कुछ एम्बुलेंस भी इसमें फंसी थी जिन्हें निकाल दिया गया था, और जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह जादौन, उनका साफ तौर पर कहना है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते कि कोई भी परेशान हो, इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं हम लोग, अगर कोई फॉरेनर कहीं घूमने के लिए आता है उसको भी जगह दी जाएगी, एम्बुलेंस है उसको भी जगह दी जाएगी, और कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो सड़क का रास्ता पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। 4 बजे तक की बात कही गई है, 4 बजे तक की ये भारत बंद का आह्वान किया गया है, सुबह से ही शुरू हो गए थे किसान। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो काजोल गाजियाबाद में इसका मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए तो वो ज्यादातर बीजेपी को समर्थन करते हैं, और ऐसे में लोगों ने अपनी मार्केट पूरी तरीके से खोली है, दुकानें पूरी तरीके से खोली है, और आवागमन पूरी तरीके से लोगों के द्वारा। गाजियाबाद में कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर ज्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि व्यापारी जो है उन्होंने अपनी दुकानें खोली है, सब्जी मंडी की बात की जाए और जब जो जगह सबसे ज्यादा फेमस है गाजियाबाद की घंटाघर, वहां पर किस तरह की हालात है? देखिए गाजियाबाद में सबसे ज्यादा फेमस जगह है नवयुग मार्केट, ये अपने आप में एक बड़ी मार्केट है नवयुग मार्केट, और वहां पर तमाम दुकानें हैं जो कि खोली गई हैं, और इतना ही नहीं इन दुकानों को खोला गया सबसे खरीदार भी लगातार इन दुकानों की तरफ रुख करे हुए हैं, तो कुल मिलाकर इस भारत बंद का आह्वान जो किसानों ने किया था उसका कहीं असर देखने को नहीं मिल रहा है। गाजियाबाद में हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय है, विपक्ष के नेता यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उनके नेता लगातार सोशल मीडिया पर ये मैसेज कर रहे हैं कि किसानों का समर्थन किया जाए, और जिस तरीके से किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर लिखित कानून हो तो वो चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन अगर वही केंद्र में होते तो आज वो ये हालात से नहीं जो लगातार जितेंद्र बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया है, जाम की स्थिति तो देखने के लिए मिल रही है, क्या किसान जो है वो सड़कों पर भी उतरे हुए हैं, कितनी संख्या है उनकी? देखिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम जो है लगातार पूरे चप्पे चप्पे पर तैनात है, और हम जिला गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो जिला गाजियाबाद में यूपी गेट यानी कि जो गाजीपुर से आगे जाकर यूपी गेट इलाका है वो पूरी तरीके से बंद किया गया है। अब अगर मेरठ की तरफ जाते हैं तो कुछ ऐसे इलाके हैं देहात के इलाके जहां पर किसान इक्का दुक्का बैठे हुए हैं, और भारत बंद जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उस पर समर्थन करने में लगातार वहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि वहां पर नीचे उनका गांव है, ऊपर आकर वो फ्लाईओवर पर उसको बंद करे हुए, क्योंकि मेरठ जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है अभी वहां पर कुछ किसानों के पहुंचने की बात कही गई है। हालांकि अभी जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादौन ने बताया कि किसी को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर खासा तैयारियां की गई है, और कोई भी एम्बुलेंस अगर आती है, कोई लोग आते हैं, आपातकालीन स्थिति होती है तो लगातार उनको पूरी तरीके से जगह भी दी जाएगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, चौकसी कैसी है, क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना हो, भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो, और अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उनको तितर बितर किया जाए, इसको लेकर किस तरह की चौकसी देखने के लिए मिल रही है, पुलिस बल किस तरह से तैनात है, कहाँ कहाँ पर ज्यादा पुलिस बल देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल काजल, आपको बताएं कि ये पुलिस बल जो है, क्योंकि बीते दिन रोहिणी में कोर्ट में जिस तरीके से गोलीबारी हुई थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, जगह जगह पर दिल्ली पुलिस तैनात है। अब दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है तो गाजियाबाद के जो भी बॉर्डर एरिया है वहां पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। गाजियाबाद के कप्तान पवन कुमार ने भी साफ कर दिया था कि वो किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए थानाध्यक्षों को ये हिदायत दी गई है कि जो उनका एरिया पड़ता है, एरिया में अगर बॉर्डर एरिया है तो खासतौर से वहां पर देखा जाए, और अच्छा ही नहीं पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है, साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल अगर कराया गया आपातकालीन स्थिति में तो वो भी वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौजूद है,
और महिला पुलिसकर्मी भी साथ साथ उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि जो किसान महिला नेता है उनको किस तरीके से रोका जा सके अगर उपद्रव की स्थिति पैदा होती है तो। जी काजोल, चलिए जितेंद्र, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो जितेंद्र ने जिस तरह से तस्वीर बताई है गाजियाबाद की, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई भारी संख्या में किसान मौजूद है सड़कों पर। इसके अलावा गाजियाबाद में हालांकि दुकानदारों ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया है, दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली हैं, हालांकि सब्जी मंडी पर इसका असर जरूर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके अलावा तमाम और जो राज्य हैं वहां पर भी भारत बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है, घंटों जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ रहा है, इसी तमाम तस्वीरें आज सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि ऐसी स्थिति हो सकती है। ये तस्वीर जो आप प्रेजेंट स्क्रीन पर देखेंगे, इससे आप अंदाजा लगाइए कि लोगों को कितने घंटों से इस जाम में जूझना पड़ रहा होगा, और कुछ तो ऐसे होंगे जो अब तक अपनी मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाए होंगे। तो सिर्फ यहां पर किसान ही नहीं, जो महिला किसान हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार कृषि कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान संगठनों की तरफ से सोमवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया गया, बिहार के पटना में भी किसानों के समर्थन में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी लोगों से अपील की है कि शाम 4 बजे वो भारी से भारी संख्या में समर्थन दें और भारत बंद का आह्वान करें और घरों से बाहर ना निकले, ये भी अपील की है, वरना जाम में फंस सकते हैं। देखिए, एक तरफ राकेश टिकैत चिंता कर रहे हैं लोगों की कि जाम में वो फंस सकते हैं, घर से ना निकले, लेकिन दूसरी तरफ भारत बंद का आह्वान किया है, सड़कों पर तमाम किसान हैं, कार्यकर्ता हैं, किसान नेता हैं, उसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूट डाइवर्ट है क्योंकि पुलिस अपनी जो तैयारी है वो पूरी चौकस रखे हुए है। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि किसी भी एम्बुलेंस या अन्य किसी जरूरी वाहन को निकालने के लिए रास्ता दिया जाएगा। और दिल्ली से मेरे सहयोगी नीरज शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, दिल्ली के हालात कैसे, जाम की स्थिति अब भी या कुछ राहत मिली है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी की जो हालत है वो जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। 3 से 4 किलोमीटर का जो जाम है वो बॉर्डर पर लगा हुआ है, जैसे सिंगू बॉर्डर हुआ उस पर किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार तेज हो रहा है, और किसान जो है वहां पर 10 महीने से बैठे हुए हैं, उस बॉर्डर को पूरी की तरह ब्लॉक किया हुआ है। उसके आसपास के जो बॉर्डर है, जैसे पियाऊ बनियारी हो गए, लामपुर बॉर्डर हो गए, नरेला के जो टच वाले बॉर्डर है उस पर इस टाइम जाम की स्थिति बनी हुई है। और अगर बात गुरुग्राम की जाए तो गुरुग्राम का जो बॉर्डर है, जिससे दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं, दिल्ली की तरफ वाहन आते हैं, उस रोड पे 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जाम लगातार बढ़ता जा रहा है। नीरज, कौन कौन से ऐसे रूट है दिल्ली के जो डाइवर्ट है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस टाइम आउटर रिंग रोड की अगर बात की जाए तो आउटर रिंग रोड को डाइवर्ट नहीं किया गया है। जो मेन बॉर्डर वाले रूट है, जैसे अपना यूपी का अंदर गाजियाबाद का जो बॉर्डर पड़ता है उस पर रूट डाइवर्ट किया हुआ है, हरियाणा का जो बॉर्डर है उस पर रूट डाइवर्ट किया है, जो मेन जो गुरुग्राम का बॉर्डर है उसको रूट डाइवर्ट किया हुआ है, उस पर 3 से 4 किलोमीटर का जाम जो है लगातार सुबह से 8 बजे से लगातार बना हुआ दिख रहा है। जो किसानों का जो आंदोलन है उस पर थोड़ी सी तेजी आई है, उसके मद्देनजर पुलिस की जो सुरक्षा वो भी लगातार बॉर्डर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा रही है। जी देखिए, अगर नीरज बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जैसे कि अभी रोहिणी कोर्ट में हुआ था, खूंखार जो बदमाश था गैंगवार में मारा गया, हालांकि हमलावर भी ढेर कर दिए गए। तो ऐसे में पुलिस की चौकसी कैसी है? इससे पहले भी अगर 26 जनवरी की हम बात करें तो किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन किस तरह के हालात राष्ट्रीय राजधानी में हुए थे वे किसी से छिपे नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह दिल्ली के अंदर रोहिणी कोर्ट के अंदर जो हादसा हुआ था, जो बोगी गैंग के लीडर है उसको और उसके साथी को मौत के घाट उतारा गया था गोली मार के, उसके मद्देनजर सुरक्षा के ऊपर जो पुलिस के ऊपर सामान्य निशान उस दिन ही खड़ा हो गया था। मगर आज अगर भारत बंद की बात की जाए तो पुलिस ने हर जगह पर अपना जो बेस्ट देने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेट्रो स्टेशन हो, चाहे दिल्ली के बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली के मार्केट हो, चाहे बाजार हो, इसमें हमेशा की तरह आज भी जो प्रोटेक्शन है वो पूरी की पूरा बढ़ा दी है। सीआरपीएफ के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं, थाने की पुलिस जो है वो हर जगह बैरिकेड लगा के चेकिंग कर रही है, जैसे अब वाहन जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनके कागज वगैरह चेक किए जा रहे हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तो अगर दिल्ली पुलिस की बात सुरक्षा की जाए तो इस टाइम दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है दिल्ली के अंदर वो काफी सक्रिय है, काफी मौजूद है, दिल्ली के आला अधिकारी भी इस टाइम रोड पे मौजूद है। देखिए नीरज, अगर बात की जाए तो पिछले 10 महीनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन आज भारत बंद का आह्वान किया है, तो ऐसे में दिल्ली को घेरने की सबसे पहले तैयारियां रहती है, क्योंकि यहाँ
पर ही धरने प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन भी सारे यही होते हैं ताकि इनकी बात सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचे। तो आज कैसे हालात है, क्या लगता है कितनी संख्या में किसान पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, कितने राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इस टाइम दिल्ली के अंदर हालात चल रहे हैं, जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी के जो तमाम बॉर्डर है उस पर किसानों ने जो अपना डेरा है वो 10 महीने से लगातार डाल रखा है, जो काले कानूनों को वापस करने के लिए लगातार 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो इस टाइम दिल्ली के अंदर लगातार बॉर्डरों के ऊपर किसानों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, हरियाणा से, पंजाब से, अंबाला से, और अगर पंजाब के एरिए की भी बात की जाए तो पंजाब से जो किसान है वो काफी संख्या के अंदर कल रात को ही निकलने शुरू हो गए थे, जो दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर जाना था, मगर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को देखते हुए कुछ किसानों को पंजाब हरियाणा के जो बॉर्डर है उस पर रोका गया है, ताकि दिल्ली के अंदर अगर कोई 26 जनवरी जैसी जो दिल्ली में घटना हुई थी लाल किले पर, वो ऐसी कोई घटना ना हो पाए। अगर किसानों की बात की जाए, किसानों की संख्या जो है आस पास के जितने भी गांव है उनके अंदर से लगातार बढ़ती जा रही है, और अगर किसानों की बात की जाए, 4 बजे तक का जो उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा था कि हम 4 बजे तक ये भारत बंद का आह्वान करेंगे, उसके नजर इस टाइम दिल्ली के तमाम बॉर्डर के ऊपर किसानों की संख्या वो काफी असर है, वो कौन-कौन सी चीजों पे ज्यादा पड़ रहा है? ठीक है, भारत बंद का अगर आह्वान की बात की जाए, भारत बंद का जो आह्वान था उन्होंने किया है, मगर आजकल अगर देखा जाए तो आज की तारीख के अंदर जिस तरीके से सुबह से ये भारत बंद का आह्वान चल रहा है उसमें मंडियों के अगर एरिया की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर जितने भी तमाम मंडी है, आजादपुर मंडी, ओखला मंडी, केशवपुर मंडी, उनके अंदर काफी संख्या के अंदर ये जो असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है वो दिल्ली की सड़कों पर बहुत कम निकल रहे हैं, अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, और इससे क्या है कि जितने भी सब्जी विक्रेता है, जितने भी फ्रूट विक्रेता है, उनको काफी मंडी के अंदर नुकसान उठाना पड़ रहा है जी। बिल्कुल, यानी नीरज ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा असर जो है वो मंडियों में दिखाई दे रहा है। अगर दिल्ली के बड़े बाजारों की मैं बात करूं नीरज, तो क्या वो खुले हुए हैं? दुकानदारों का क्या कहना है, जो व्यापारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, अगर दिल्ली के बाजारों की बात की जाए तो दिल्ली के मेन बाजार है लाल किला की मार्केट है, लाल किला पूरी तरह इस टाइम बंद कर दिया गया, उसके आसपास की लाजपत राय मार्केट है, चांदनी चौक एरिया है, वो पूरा इस टाइम बंद कर दिया गया है, वहां पर सुरक्षा के जो मतलब सुरक्षा जो है काफी संख्या में बढ़ा दी गई है, उसके जो मेन रास्ते हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है, बैरिगेटिंग वहां पर की गई है, जिससे कि कोई आपकी घटना 26 जनवरी वाली जैसी घटना यहाँ पर नहीं हो पाए। और अगर दिल्ली के मेन मार्केट की बात करें, चांदनी चौक की मार्केट है, अपना करोलबाग की मार्केट है, इन सारी मार्केटों के अंदर अभी फिलहाल रोक लगा दी, कोई भी इस टाइम व्यापारी जो है वो यहाँ पर ना तो दुकान खोल रहा है और ना ही मतलब दुकान खोलने की स्थिति में, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का माहौल चल रहा है पूरी रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं और पुलिस की सुरक्षा के जो एजेंसियां हैं वो रोड पे लगातार बढ़ती जा रही है जी। बिल्कुल नीरज, देखिए अगर इस भारत बंद की मैं बात करूं तो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, इससे पहले महापंचायतें हो चुकी हैं, जैसा कि मुजफ्फरनगर की तस्वीर सामने आई थी, महापंचायत वहां हुई थी, लाखों की संख्या में किसान पहुंचा था, 10 महीने से किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार से 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है, 12वें दौर की बातचीत को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, ऐसे में नीरज किस तरह के हालात लगते हैं? आप लगातार फील्ड में बने रहते हैं, किसानों से आपकी मुलाकात होती है, किसान नेता से आपकी मुलाकात होती है, जो छोटे किसान हैं क्या कहते हैं वो, या फिर जो किसान नेता हैं जो वो कहते हैं वही पूरी जो सेम बात है वही किसान जो छोटे नेता छोटे किसान हैं वो बोलते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरह किसानों की जब बॉर्डरों पे किसान 10 महीने से रुके हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अपने प्रदर्शन मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं कि काले बिल जो है वो वापस ले जाए, उनमें जो बड़े लीडर है किसानों के वो छोटे छोटे गांव के किसानों को इकट्ठा करके वहां पर उनसे आपसी बात करते हैं, आपसी मीटिंग की जाती है, जिसके मद्देनजर वो सारे के सारे उनको सपोर्ट किया जाता है कि आप जो है इस तरह जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीने से चल रहा है, सरकार इसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है, सरकार इसके ऊपर कुछ भी ध्यान ना देते हुए इसको ना सुनने को तैयार है, ना वापस लेने को तैयार है, उसके चक्कर में जो 10 महीने से लगातार किसान बढ़ रहे हैं उनको समझा बुझा कर जो है अपने साथ इकट्ठा कर रही है। इसे राकेश टिकैत हुआ वो भी अपने अपने बॉर्डरों पर आके इन किसानों की लगातार मीटिंग ले रहे हैं और जिस तरीके से उनको अपने सपोर्ट में कर रहे हैं वो एक अपने आप सोचने का विषय है, क्योंकि 10 महीने से लगातार बॉर्डर जो बंद कर रहे हैं, जो आसपास के इलाके हैं उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे अगर नरेला के सिंगू बॉर्डर की बात की जाए तो सिंगू बॉर्डर में कुंडली हरियाणा के अंदर आता है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अंदर जो फैक्ट्री मालिक है वो काफी इस टाइम
भूखमरी के कगार में पहुंच चुके हैं, क्योंकि 10 महीने से लगातार उनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, उनके खर्चे जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेबर को वो निकाल नहीं सकते और काम जो है वो उस तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जो बंद का असर है वो काफी कुछ देखने को मिल रहा है, जिस 10 महीने के अंदर जो काफी इंडस्ट्रियल एरिया जितने उनको काफी इस टाइम भूखमरी के कगार पे, मगर सरकार जो है वो बिल्कुल भी इसके बारे में सोच नहीं रही है, जिससे काफी कठिनाई का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखेगा स्थिति पर, हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो किसानों का हल्ला बोल, किसानों का भारत बंद का आह्वान, जिसका असर पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है, खासकर उत्तरी भारत में देखने के लिए मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी को घेरने की पूरी तैयारी किसानों की है। इस भारत बंद के आह्वान के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकस है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। लाल किले को पूरी तरह से एक चक्रव्यूह आसपास तैयार कर दिया गया है, ताकि परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले पर जैसे हालात देखने के लिए मिले थे, जो घटनाएं हुई थी वो दोबारा ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, इस वजह से ये बड़ा यहां पर इंतजामात किए हुए हैं। लेकिन मंडियों पर खासा असर देखने के लिए मिल रहा है। ये तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी लगातार न्यूज ऑल इंडिया आपको दिखाता रहेगा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगातार महाजाम की स्थिति बनी हुई है, हालांकि धीरे धीरे जाम जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब भी हालात काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अब निकलने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ देर घर में ही रहिए, अगर आपको घूमना है तो आप शाम के समय घूम सकते हैं, क्योंकि ये जो भारत बंद का आह्वान है वो शाम 4 बजे तक है, उसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं देश में अब भी बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,041 नए मामले सामने आए, वहीं 276 लोगों की जान चली गई। तो देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 29,621 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,29,31,972 हो गई है। वहीं अब एक्टिव केस घटकर 2,99,000 से ज्यादा हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,34,78,000 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,47,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले दिन देश में वैक्सीनेशन की 38,18,362 डोज दी गई, जिसके बाद अब टीकाकरण का कुल आंकड़ा 86,01,60,000 के पार पहुंच गया है। बता दें कि देश के सभी राज्य की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,951 नए मामले सामने आए, वहीं 165 लोगों की जान चली गई। केरल में कल 17,658 लोग ठीक हुए हैं और राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,63,000 से ज्यादा हो गई है। मामले कम तो हो रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से शून्य नहीं हुए हैं। ऐसे में अब भी हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, उनका पालन करना होगा, सावधानी बरतनी होगी। हालांकि राज्य देश की बात की जाए तो देश में सबसे ज्यादा मामले वाला जो राज्य है वो अब भी केरल बना हुआ है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को नेतृत्व मुहैया कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही हैं। इसके मद्देनजर ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि यहां मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी जैसी है, जहां मुसलमानों के मुद्दों को उठाने वाला कोई नेता नहीं। कल कानपुर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की स्थिति बारात में बैंड बाजा पार्टी जैसी हो गई है, जहां उन्हें पहले संगीत बजाने के लिए कहा जाता है लेकिन विवाह स्थल पर पहुंचने पर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा लेकिन अब मुसलमान संगीत नहीं बजाएंगे, यूपी में हर जाति का एक नेता है, यूपी में 19% मुस्लिम आबादी है, इससे भी ज्यादा हो सकती है लेकिन एक भी नेता नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि यूपी की जेलों में 27% कैदी मुसलमान हैं, ये भारत सरकार का डेटा है। ओवैसी ने आरोप ये भी लगाया कि चाहे मुसलमानों की सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी हो या फिर सामाजिक न्याय के लिए दलित मुस्लिम एकता की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, किसी ने भी मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया है।
तालिबान को मान्यता दिलाने की पाकिस्तान चाहे लाख कोशिश कर रहा हो, लेकिन यूरोपीय देश इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आने वाले। अब इटली ने भी साफ कर दिया है। इटली ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी जा सकती। हालांकि इटली ने मानवीय पहलू दिखाते हुए जरूर कहा कि मुसीबत में फंसे अफगानों की मदद होनी चाहिए। इटली के विदेश मंत्री लुइग डी मायोस ने कहा कि तालिबान की सरकार को मान्यता देना संभव है क्योंकि उसमें 17 आतंकियों को मंत्री बनाया गया। साथ ही साथ अफगान में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। बता दें कि इटली आने वाले दिनों में अफगान मसले पर खास G20 समिट बुलाने के पक्ष में है। विदेश मंत्री लुइग ने आगे कहा है कि दूसरे देशों की सरकारों को मिलकर यह जरूर तय कर लेना चाहिए कि अफगान का वित्तीय पतन ना हो, वरना प्रवासियों की संख्या में भारी इजाफा हो जाएगा। इटली के विदेश मंत्री ने कहा कि वित्तीय मदद जिसको रोका गया था वो अफगान के लोगों को फिर से मिलने लगेगी। लुइग ने कहा कि ऐसे कई रास्ते हैं जिससे तालिबान को पैसा दिए बिना भी अफगान के लोगों की आर्थिक मदद हो सकती है। इटली के विदेश मंत्री आगे बोले कि पड़ोसी देशों की स्थिति खराब ना हो इसका ध्यान रखते हुए प्रवासी संकट को कम करना बेहद जरूरी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।